कि मैं कभी बोल लूंगा तो कहेंगे उल्टा बोल रहा है, मतलब उनकी घराली कौन माना उनकी, और ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है मैं जानू सबने, किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे। जे पी दलाल ने जो बोला है वो उसका अपना व्यक्तिगत विषय वो हो सकता है, और उसके अंदर उन्होंने जो बात कही है उसके अंदर पार्टी का हमारा कुछ विषय नहीं है। जेपी दलाल के एक बयान ने बीजेपी को ऐसा फंसाया कि अब भाजपा नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि कहें तो क्या। ना किसान नेता इस बयान को पचा पा रहे हैं और भाजपा नेताओं की तो कहें ही क्या। एक तो पहले ही किसान आंदोलन की वजह से कई भाजपा नेता किसानों की नजर में खटक रहे हैं, और बची कुची कसर खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ही पूरी कर दी। आज बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायाब सिंह सैनी जब सोनीपत पहुंचे तो उन्हें भी जेपी दलाल के विवादित बयान पर सवाल का सामना करना पड़ गया। नायाब सैनी ने तो सीधे सीधे मंत्री जेपी दलाल के बयान से किनारा कर दिया। नहीं देखिए, क्योंकि जेपी दलाल ने जो बोला है वो उसका अपना व्यक्तिगत विषय वो हो सकता है, और उसके अंदर उन्होंने जो बात कही है उसके अंदर पार्टी का हमारा कुछ विषय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी को साथ लेकर के चलती है, सबका आशीर्वाद इसके अंदर है, सहयोग है। मेरी अपील है, जिस प्रकार का आज जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है, जिस प्रकार का उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है। नायाब सैनी की माने तो जेपी दलाल ने किसान नेताओं को लेकर जो कुछ भी कहा ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, मंत्री जी के बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब साफ है बीजेपी नेता भी जेपी दलाल के बयान से कोई ताल्लुक नहीं रखते। वैसे जेपी दलाल ने कहा क्या था वो पूरा बयान भी आप आखिर में सुन लीजिए। मैं कभी बोल लूंगा तो कहेंगे उल्टा बोल रहा है, मतलब उनकी घराली कौन माना उनकी, और ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है मैं जानू सबने, किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू भाज रही, किसी की छोटी भाज रही, तारा ठेका ले रहे। आड़े बैठे मैं जानू सर, जेपी दलाल कह रहे हैं कि जिनकी घरवाली तक उनकी नहीं सुनती उन्होंने किसानों का ठेका ले रखा है। मैं सबको जानता हूँ, किसी पर 5 मुकदमे, किसी पर 3 मुकदमे हो रखे हैं, उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। वैसे अब मंत्री जी के इस बयान का विरोध शुरू हो गया है, अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।